हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए हम क्लासिक्स एनसीईआरटी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? जीवित जीव एंड उनके परिवेश। जीवित जीव की बात करें तो वैसे जीव जिनमें लाइफ है, जो जीवित है, जो जिंदा है। एंड हैबिटेट की बात करें तो उनके परिवेश, यानी सिंपल शब्दों में समझे तो ड्वेलिंग प्लेस, यानी उनके घर के बारे में जानने वाले हैं। जैसे हम में से इंसान में ही आपके कुछ देख लो तो कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं, कुछ लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं एंड कुछ लोग बंगलों में भी रहते हैं, है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा, हर किसी के ड्वेलिंग प्लेस घर में क्या है, डिफरेंस है। वहीं अगर हम जानवरों की बात करें तो उनके भी घर क्या होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं, है ना। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिल बना के रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वो घोंसला बना के रहते हैं। वहीं कुछ एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो पानी में रहते हैं। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया, सबके ड्वेलिंग प्लेस यानी हैबिटेट में डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है एंड क्या वो अपने शौक से ऐसा करते हैं या फिर कोई रीज़न है जो ये सब कुछ बदल जाता है, उनका हैबिटेट बदल जाता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये चैप्टर का नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है बट ये आपको इंटरेस्टिंग बहुत लगने वाला है पढ़ने में। सबसे पहले हम देखें तो ये जो चेंज होता है उनमें वो कैसे होता है, क्या ये रातों रात हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये टाइम लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी चेंज, अब जैसे आप मान लो क्या होता है, आपकी बॉडी गर्मी में, जब शुरू शुरू में गर्मी का सीज़न आता है, जैसे अभी विंटर्स आएंगे तो एक दो दिन आपको थोड़ी दिक्कत होगी बट धीरे धीरे आप अडेप्ट कर लोगे। या फिर आप, अगर आपका घर हमेशा से पहाड़ों में, आप पहाड़ों में रह रहे हो तो क्या होगा, जब आप दिल्ली की गर्मी में आओगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी बट धीरे धीरे आप एडजस्ट कर लोगे, अडेप्ट कर लोगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। बट यहाँ मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म के अडेप्टेशन के बारे में बताया। बट अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, ये बहुत ही वास्ट वर्ड है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अडेप्टेशन क्या होता है, तो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस। क्या कह रहा है ये प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है अडेप्टेशन जिसमें क्या होता है, कुछ फीचर, कुछ बदलाव होते हैं किसमें, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उनके हैबिट्स में, जो उनको उस प्लेस पे रहने में मदद करता है। जैसे हम बात करें बियर की, पोलर बियर की, जो कहाँ रहता है, स्नो में रहता है। आप क्या नोटिस करोगे, उसके बर्ड, उसके बॉडी पे काफ़ी मोटी कवरिंग होती है, किस चीज़ की, उसका स्किन काफ़ी मोटा होता है जिससे क्या होता है, उसको ठंड नहीं लगती, वो सारा दिन रहता है बर्फ में बट उसको ठंड नहीं रहती है, नहीं लगती है। ये क्या हुआ है, उसकी बॉडी अडेप्ट हो गई है। वही हम बात करें कैमल्स की, तो कैमल्स कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, बालू में रहते हैं जहाँ बहुत ही धूप होती है ना, और हम जानते हैं कि बालू कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। तो क्या हुआ है, उनकी बॉडी अडेप्ट हुई है। आप पूछोगे कैसे, तो आप अगर नोटिस करो तो कैमल के लेग, पैर क्या होते हैं, टांगे उसकी लंबी होती है। ये किस चीज़ में मदद करता है, तो उसकी टांगे ज़मीन से जितनी ऊपर रहेगी एक टेम्परेचर उसका उतना ही कम अब्सॉर्ब होगा, वो गर्मी ज़मीन से कम सोखेगा। वहीं हम बात करें कैमल की एक और फीचर की, तो वो यूरिनेट बहुत ही कम अमाउंट में करता है, जिसे क्या होता है, हम जानते हैं यूरिनेट और स्वेटिंग से हमारी बॉडी से पानी बाहर निकलता है, और जब वो यूरिनेट कम करेगा तो उसका पानी क्या होगा, स्टोर रहेगा। और उसकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर है जो पानी काफ़ी दिनों तक स्टोर रहता है। तो हमने क्या यहाँ देखा, दो एग्जांपल देखा, एक पोलर बियर का जो कहाँ रहता है, जो स्नो में रहता है एंड उसकी बॉडी अडेप्ट हो गई है उस चीज़ के लिए, स्किन मोटी हो गई है जो उसको बर्फ में रहने में काफ़ी मदद करता है। वहीं कैमल की बात करें तो कैमल सैंड में, गर्मी में, डेजर्ट में बहुत ईजिली रह सकता है। आप प्लांट्स को ही देख लो, इन दोनों प्लेसेस के अगर हम प्लांट को देखें तो हम क्या नोटिस करते हैं, जो प्लांट्स पहाड़ में रहते हैं उनमें एक स्लोप बनी होती है ना, आगे घर भी ऐसे होते हैं, प्लांट्स कुछ इस तरह का होगा,
ड्रॉप्स बनी होगी। क्यों? क्योंकि इस पे जब स्नो गिरेगा तो स्नो उस पे आके वो नीचे फिसल जाएगा, उस प्लांट पे नहीं रहेगा, ट्रीज पे नहीं रहेगा। तो ट्रीज ऐसे अडेप्ट हुए जिससे बर्फ नीचे गिर जाए। वहीं हम बात करें डेजर्ट के प्लांट की, तो वहाँ के प्लांट्स कैसे होते हैं? उनमें स्पाइक्स बने होते हैं। हम जानते हैं, हमने लीव्स प्लांट्स वाली चैप्टर में पढ़ा था ना, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। कौन करता है ट्रांसपिरेशन? लीव्स करती है, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, पानी निकलता है लीव्स से। तो डेजर्ट के लीव्स क्या होते हैं? उनमें स्पाइक बने होते हैं। मतलब आप नॉर्मल ग्राउंड के अपने आसपास के पत्तों को देखो तो वो काफ़ी चौड़े फैले होते हैं, बट डेजर्ट के पत्ते काफ़ी, आप उनके पत्तों में और स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मॉडिफाइड होता है, उसमें अडेप्टेशन हुआ है, अनुकूलन हुआ है, जिससे जितना कम चौड़ा होगा लीव्स उतना कम होगा ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों क्या है, हमने लीव्स और एनिमल्स दोनों के अडेप्टेशन को देख लिया। तो आई होप कि इन सारे एग्जाम्पल से आप अडेप्टेशन के प्रोसेस को समझ गए होंगे। बात करें हम कि अडेप्टेशन क्या रातों रात होता है, तो बिल्कुल नहीं, इट टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ये काफ़ी अच्छा खासा 100 ईयर्स आप मान लो, इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और अब हम देख लेते हैं हैबिटेट को। हैबिटेट किसको बोलते हैं? हैबिटेट द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। मैंने आपको बताया ही, परिवेश यानी घर, ड्वेलिंग प्लेस जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हैबिटेट बोलते हैं। और अगर हम देखें टाइप्स ऑफ हैबिटेट कौन कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पे दो मेन हैबिटेट्स पढ़ने हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो ये वैसे हैबिटेट होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म प्लेन पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं। वैसे एनिमल्स या प्लांट्स जो ग्राउंड पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देख लें तो वो क्या क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल। एक एक करके इसको हम लोग डीपली आगे की चैप्टर में कवर करेंगे। वहीं हम बात करें एक्वेटिक हैबिटेट्स, तो दोज हैबिटेट इन विच प्लांट और एनिमल लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। एंड एग्जाम्पल्स आर, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लेक, रिवर, ओशन। तो हमने क्या समझा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसको कहते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल कहाँ रहते हैं, प्लेन पे या ग्राउंड पे, प्लेन पे या ग्राउंड पे रहते हैं जब प्लांट्स और एनिमल, तो उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वहीं एक्वेटिक हैबिटेट जिसमें प्लांट या एनिमल किसमें रहते हैं, वाटर में, दोज आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। इन सारे को हम एक एक करके आगे इसी चैप्टर में आगे काफ़ी एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप एडेप्टेशन एंड हैबिटेट एंड टाइप्स ऑफ हैबिटेट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर हम एक हैबिटेट में कॉम्पोनेंट्स को डिवाइड करें तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो एक हैबिटेट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक कॉम्पोनेंट। वहीं एक हैबिटेट में जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर, इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एबायोटिक कॉम्पोनेंट में रखते हैं। आई होप आप एडेप्टेशन, हैबिटेट्स एंड टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स उसी के साथ एबायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स को हम आगे के चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।